फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के लल्लू सिंह उम्मीदवार थे, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी से था। अवधेश पासी को 5,54,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,000 वोट। करीब 54,000 वोटों से बीजेपी ये सीट हार गई। और इसी तरह 37 सांसदों के साथ पहले दिन सदन पहुंचने वाले अखिलेश यादव सबसे ज्यादा उत्साहित दिख रहे थे। समाजवादी पार्टी के सांसदों का कुनबा लाल टोपी और लाल गमछे के साथ साथ संविधान की किताब लेकर पहुंचा था। इस दौरान एक बेहद रोचक तस्वीर दिखाई देती है। अखिलेश यादव अपने चुने हुए नए सांसदों के साथ तस्वीर खिंचा रहे होते हैं, और तभी केरल से सांसद केसी वेणुगोपाल अखिलेश के कान में आकर कुछ कहते हैं और फिर दोनों खिलखिलाने लगते हैं। इसके बाद रामगोपाल यादव के कान में कुछ कहा जाता है, और इस तस्वीर को देखकर चर्चा हो रही है कि विपक्ष की खुशी छिपाए नहीं छिप रही। लेकिन खुशी सिर्फ विपक्षी खेमे में नहीं है। अगली तस्वीर देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल और के सुरेश संसद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे, तभी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पीछे से आते हैं। गिरिराज पहले केसी वेणुगोपाल के कंधे पर थपकी देते हैं और फिर इतनी गर्मजोशी से सत्ता और विपक्ष के दोनों सांसद मिलते हैं कि गहरे दोस्त भी क्या मिलते होंगे। सदन के पहले दिन नव निर्वाचित हुए सांसद भी चर्चा में रहे। दिल्ली से सांसद और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने संस्कृत में शपथ ली। अहम बांसुरी स्वराज यह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नामना शपे यद अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्यसि। जबकि अभिनेत्री और पहली बार की सांसद बनी कंगना ने हिंदी में अपनी शपथ ली। मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं। संविधान की रक्षा हम करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि संसद के पहले दिन सब कुछ खुशनुमा ही हो रहा था। वार पलटवार भी हुए और गहरे संदेश भी दिए गए। संविधान का तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी का ताला सही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।